प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बैंक पीओ के परीक्षा में 2009 में आ चुकी है। आज की हमारी प्रॉब्लम है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिंगल के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आपको चार विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प छांटना है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के सामान्य नियम जो हैं, सामान्य सूत्र जो हैं, जिन जिन बातों का ध्यान रखा जाता है उससे संबंधित एक वीडियो मैं बहुत पहले डाल चुका हूँ, उस वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा, उसी की सहायता से इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है। तो जब हमारे लिए प्रॉब्लम में ये दिया होता है कि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह सूत्र है रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। अब आपको खंभे को पार करने में लगा समय जो दिया हुआ है 15 सेकंड, वो तो आपके LHS में इसके स्थान पे लग जाएगा 15 सेकंड, और बराबर का चिन्ह ये आ जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई आपको दी है 250 मीटर, तो RHS में अंश में रेलगाड़ी की लंबाई के स्थान पर लिख देंगे आप 250 मीटर, और हर में आप रेलगाड़ी की चाल के स्थान पर रेलगाड़ी की चाल ही लिख दीजिए हिंदी में। इसके बाद आपको चूंकि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, इसलिए इस रेलगाड़ी की चाल को जो है आप LHS के अंश में ले जाइए, और इस 15 सेकंड को RHS के हर में ले जाइए, तो आपको प्राप्त होगा रेलगाड़ी की चाल बराबर 250 मीटर बटे 15 सेकंड। अब इसको जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उससे हम काटेंगे तो 5 से ये भी कट जाएगा और 5 से ये भी कट सकता है। इसके कटिंग करने के बाद हमें प्राप्त होगा 250 बटे 3 मीटर पर सेकंड। आपकी रेलगाड़ी की चाल आ गई, रेलगाड़ी की चाल आई आपकी 250 बटे 3 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि प्रश्न में जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें किलोमीटर पर घंटे में दिए हुए हैं, इसलिए इस चाल को हम किलोमीटर पर घंटे में परिवर्तित करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जब चाल मीटर पर सेकंड में देता है या ज्ञात होती है और उसको हमें किलोमीटर पर घंटे में बनाना होता है, तो मीटर पर सेकंड को हटाकर उसके स्थान पर हम 18/5 किलोमीटर पर घंटा लगा देते हैं। तो हमारे लिए रेलगाड़ी की चाल प्राप्त होगी 50/3 × 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 5 × 5 और 5 × 50 3 × 3 और 3 × 6 18, तो हमें अंश में प्राप्त होगा 10 × 6 और हर में प्राप्त होगा 1 × 1। हर का एक लिखा नहीं जाएगा, अंश में 10 और 6 की जब गुणा कर लेंगे तो हमें फल प्राप्त हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात रेलगाड़ी की चाल जो है वो दिए गए आंकड़ों के हिसाब से 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम विकल्प में देखते हैं, बी विकल्प में हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे बी विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। आपके समझ में प्रश्न आया होगा, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।